नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया और मैं आपके साथ हूं विशाल पांडे। आज का जो ये हमारा वीडियो है बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, धमाका होने वाला है इस वीडियो में, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक फिल्म के बारे में। ये ऐसी फिल्म है जिसका नाम ही धमाका है। जब आप सोच सकते हैं नाम धमाका है तो फिल्म धमाका करेगी या नहीं। फिल्म ने पहला धमाका ऑलरेडी कर दिया है। 2 मार्च को फिल्म का टीज़र यूट्यूब पे अपलोड हो चुका है, धमाका जिसका नाम है, जिसपे 24 घंटे के अंदर 2 मिलियन व्यूज़ आ चुके हैं। लोग खासा पसंद कर रहे हैं। अब चलिए बात करते हैं कि फिल्म में किरदार कौन निभा रहे हैं। जी हाँ, वो ऐसे व्यक्ति हैं, लड़कियाँ खासा दीवानी हैं, लड़कियों के बीच में चर्चे में रहते हैं हमेशा, चॉकलेट बॉय कहा जाता है, डिम्पल बॉय कहा जाता है। बॉलीवुड के जाने माने कलाकार कार्तिक आर्यन इस फिल्म में एक न्यूज़ एंकर का किरदार निभा रहे हैं। जी हाँ, बता दें, कार्तिक आर्यन अपने चॉकलेटी लुक के लिए, अपने ट्रायंगल लव के लिए, अपने लवी डवी जो बॉय होता है, एक लुक होता है, वो कैरेक्टर के लिए फेमस है। अभी तक उनकी जितनी फिल्में हैं, चाहे वो प्यार की पंचनामा हो, चाहे और भी जो भी फिल्में हो, उनमें उन्होंने वैसे ही किरदार निभाए हैं, बहुत ही लाइट कैरेक्टर निभाया उन्होंने किरदार। लेकिन अगर इस फिल्म की बात करते हैं धमाका, तो धमाका फिल्म में वो बहुत ही सीरियस कैरेक्टर में आपको नज़र आने वाले हैं। जी हाँ, बता दें कि एक न्यूज़ एंकर के किरदार में कार्तिक आर्यन बहुत ही सीरियस कैरेक्टर को निभा रहे हैं। 1 मिनट के टीज़र से जहाँ तक हमें पता चला कि कार्तिक आर्यन का जो किरदार है वो न्यूज़ रूम के अंदर बैठा हुआ एक फ्रस्ट्रेटेड एंकर का है, जो एंकर बहुत ही फ्रस्ट्रेट रहता है अपने काम से। स्टोरी लाइन की बात करते हैं अगर, तो मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला होता है और उसी की खबर जो लाइव अपडेट होता है वो कार्तिक आर्यन देते हैं, और उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि कार्तिक आर्यन की जॉब और कार्तिक आर्यन की ज़िंदगी बहुत ही खतरे में आ जाती है। बहुत ही ये फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, अपनी नौकरी करना नहीं चाहते। जहाँ तक टीज़र में देख के तो यही पता चलता है कि मैं शो रिकॉर्ड नहीं करूँगा, ऐसा वो कह रहे हैं। तो इससे यही पता चलता है कि वो अपने जॉब से कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, ऑफिस से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। अब आगे क्या सस्पेंस है ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। सबसे पहले आपको बता दें कि फिल्म का जो डायरेक्टर हैं राम माधवानी हैं। इसके पहले भी कई अच्छी अच्छी फिल्में, चाहे आर्या वेब सीरीज़ की बात करें या फिर और कई सारी अच्छी अच्छी फिल्में करके बैठे हुए हैं। उसके अलावा अगर फिल्म की किरदार की बात करें तो कार्तिक आर्यन के अलावा फिल्म में मृणाल ठाकुर, अमृता सुभाष, विकास कुमार और विश्वजीत प्रधान मुख्य भूमिका में नज़र आने वाले हैं। इसी के साथ कंटेंट की बात करते हैं फिल्म की, तो बॉलीवुड अपने जिस थीम के लिए फेमस है, जी हाँ, वो है रीमेक। साउथ की फिल्मों को डब करते हैं, रीमेक करते हैं, या हॉलीवुड की फिल्में चुरा चुरा के बनाते हैं। तो इसमें भी आपको ये जो फिल्म धमाका आने वाली है, ये भी कोई ओरिजिनल कंटेंट नहीं है बॉलीवुड का, ये भी आपका कोरियन मूवी जो 2013 में आई थी द टेरर लाइफ, उसी का रीमेक है। एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि कार्तिक आर्यन ने इस फिल्म के साथ और अपने करियर के साथ कुछ नए एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। पूरे लॉकडाउन में पैंडेमिक चल रहा था, जिसमें कार्तिक आर्यन की कोई भी नई फिल्म रिलीज़ नहीं हुई, कार्तिक आर्यन ने ब्रेक लिया हुआ था। बंदे ने खुद के ऊपर बहुत ही काम किया है, मेहनत किया है, वो झलक रहा है। 1 मिनट के टीज़र में अगर आप देखते हैं तो कार्तिक आर्यन के जो एक्सप्रेशंस हैं कमाल के हैं, सीरियस रोल बहुत ही अच्छा प्ले कर रहे हैं, डायलॉग्स डिलीवरी भी बहुत कमाल का है। लेकिन अब इंतज़ार है आने वाले ट्रेलर का, आने वाली मूवी का। बता दें कि OTT प्लेटफॉर्म पे, नेटफ्लिक्स जो OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स है, उस पे ये फिल्म रिलीज़ होने वाली है। तो इस फिल्म को देखने के लिए आपको अपना गाड़ी चला के या फिर कैसे भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करके आपको थिएटर तक जाने की मुश्किल नहीं उठानी पड़ेगी, क्योंकि पैंडेमिक अभी भी चल रहा है, कहीं ना कहीं कोरोना वायरस अभी पूरे देश दुनिया में बना हुआ है। तो इसीलिए ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पे है, तो आप आराम से एक कप चाय और पॉपकॉर्न घर में बैठ के अपने TV स्क्रीन पे इस फिल्म का मज़ा उठा सकते हैं। देखना काफ़ी दिलचस्प रहेगा कि कार्तिक आर्यन का जो ये एक्सपेरिमेंट है सीरियस रोल वाला, क्योंकि पहली बार वो सीरियस रोल की भूमिका में नज़र आएंगे दर्शकों को, तो उनके फैंस को ये कैसा लग रहा है। अगर कार्तिक आर्यन की बात करते हैं, तो उन्होंने यही कहा कि जो राम माधवानी हैं डायरेक्टर, उन्होंने उनको एक्सपेरिमेंट करने का मौका दिया, इसके लिए उनका शुक्रगुजार हैं और उन्होंने काफ़ी मेहनत किया है। उनको यही लगता है कि उनके जो दुनिया भर में फ़ैन्स हैं वो पॉजिटिव वे में लेंगे इस फिल्म को और खासा पसंद करेंगे इस फिल्म को। तो हमें भी इंतज़ार है इस फिल्म के ट्रेलर का। अगर ट्रेलर देखते हैं तो ट्रेलर देख के ट्रेलर का अपडेट देंगे, उसके बाद जब फिल्म रिलीज़ होगी तो पूरी फिल्म देखेंगे और फिल्म का रिव्यू करेंगे। देखते रहिए रेड ऑन एंटरटेनमेंट।